हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपेक्स अकेडमी के ई पोर्टल में बेटा, जिसमें हम मशीनिंग के वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नॉलेज ले रहे हैं। अब बेटा, इसमें आपने देख लिया है कि काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं। इवन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पूरा कंप्लीट हो चुका है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में हमने टू पॉइंट कटिंग टूल पढ़ लिया है, ठीक है, जिसे हम ड्रिल बिट कहते हैं। उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पूरी डिटेल जानी थी, ठीक है। तो ये सिंगल पॉइंट के अलावा जितने भी कटिंग टूल हैं, इनकी जो बेटा फ्रीक्वेंसी है इनकी क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल पढ़ेंगे। एक और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, जिसमें जो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा आज कटिंग टूल है, वो है बेटा मिलिंग कटर। मिलिंग कटर, ठीक है, मिलिंग कटर। ओके, तो बेटा आप जानते हैं कि मिलिंग कटर में बहुत सारी कटिंग एज होती है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए आप, इट कंटेन्स मल्टी कटिंग एज, मल्टी कटिंग एजेस, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है बेटा, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस मशीनिंग प्रोसेस। इसमें मशीनिंग कंटिन्यूअसली नहीं होती है, रुक रुक कर होती है, क्योंकि कटिंग एजेस जितनी भी हैं मल्टी पॉइंट कटर पे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल पे, यानी जैसे मिलिंग कटर में क्या होता है कि कटिंग एज जो है उनके बीच में गैप होता है, रिलीफ होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेटा इंटरमिटेंट मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो मिलिंग प्रोसेस है, मिलिंग मशीनिंग प्रोसेस है, ये बेटा इंटरमिटेंट मशीनिंग प्रोसेस है। इसमें कटिंग जो है वो रुक रुक कर होती है, ठीक है। ओके, वो क्यों होती है बेटा? वो इट इज ड्यू टू द शेप ऑफ मिलिंग कटर। मिलिंग कटर की शेप की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी है कि कटिंग एजेस कहीं हैं, और साथ साथ हमने देख लिया बेटा इसमें जो मशीनिंग है वो रुक रुक कर होगी। क्यों होगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे बेटा मिलिंग कटर में टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर, कितने तरह के आपके मिलिंग कटर होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर, टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर, ओके, टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। ओके, तो मिलिंग कटर जो है बेसिकली तीन तरह के हैं बेटा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। तीन तरह के हैं। सबसे पहला है बेटा, जो सबसे पहला कटर है उसे कहते हैं बेटा हम प्लेन और स्लैब मिलिंग कटर, ठीक है। प्लेन और स्लैब मिलिंग कटर, ठीक है। तो प्लेन जो मिलिंग कटर या स्लैब मिलिंग कटर होता है बेटा, वो बेसिकली एक सिलेंडर की शेप का होता है ऐसा, जिसकी पेरीफेरी पर, जिसके पूरे इस पेरीमीटर पर आपका कटर या कटिंग एजेस होती है, ठीक है। तो देखा जाए बेसिकली इस टाइप का आपका कटर होता है, ठीक है, इस टाइप का। इसमें मतलब कटिंग एजेस। अब इसमें जो कटिंग एजेस हैं वो होने के दो तरीके से इसमें कटिंग एज होती हैं, ठीक है। तो या तो कटिंग एज बिल्कुल स्ट्रेट होंगी ऐसे, दीज आर कटिंग एजेस, ठीक है, इसके पेरिफेरी पर बिल्कुल सीधे सीधे आपके कटिंग एजेस होंगे। या फिर अगर दूसरा हम देखें, इस पर जो कटिंग एजेस होंगे बेटा वो थोड़ा सा इस शेप में होती,
ठीक है, इस शेप में होंगे। ओके, तो इसमें जो आपके कटिंग एजेस हैं, ये दीज आर कटिंग एजेस, कटिंग एजेस, ठीक है। यहां पर जो कटिंग एज है बेटा वो स्ट्रेट है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट कटिंग एज मिलिंग कटर। तो यहां पे जो कटर है आपके, जो एजेस है कटिंग एज, वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट, और यहां पर है वो कहलाती है हेलिकल, हेलिकल, ठीक है। ओके, तो स्ट्रेट जो स्लैब मिलिंग कटर होता है, इसमें जो कटिंग जो एजेस हैं वो पैरेलल होती है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कटर, ठीक है। तो यहां पर जो कटिंग एज है, कटिंग एज, कटिंग एजेस आर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहां पर जो कटिंग एज है, कटिंग एजेस आर एट एन एंगल, एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसमें कटिंग एज जो है वो बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, जबकि इसमें जो कटिंग एज है वो आपका जो है कटिंग एजेस आपका वो एक एंगल पे होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो अगर मैं इनके इसे मैं साफ कर देता हूँ, आई होप आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अगर मैं इनके बेटा फ्रंट व्यू देखूँ कटर के, तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं बेसिकली, स्ट्रेट टीथ या स्ट्रेट कटिंग एज वाला, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वर्क आपका जो कटर है वो इस ऐसे घूम रहा है, जैसे कि फिलहाल मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और दीज आर कटिंग एजेस, दीज आर कटिंग एजेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो कटिंग एज है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक पैरेलल मैंने बनाई है, ठीक है। हेलिकल के केस में दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये आपके कटिंग एजेस होंगे ऐसे, ये आपके कटिंग एजेस होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो कटिंग एज है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक एंगल पर है, पर्टिकुलर किसी एंगल पर है। अब एक लाइन में इस पॉइंट से, ठीक सेंटर पॉइंट से बेटा परपेंडिकुलर ले लेता हूं कटिंग एज के ऐसे, ठीक है। और ये एक्सिस में ऐसे डिनोट कर, तो ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है, ठीक है, यानी कि इनके ठीक ऐसे आपने परपेंडिकुलर लाइन ली और एक लाइन ये वर्टिकल ली, तो इनके बीच जो एंगल बना थीटा एच, थीटा एच। और बेटा थीटा एच को कहते हैं हेलिक्स एंगल, क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड भी होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें कि अगर आप इसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि जो आपका लेफ्ट हैंड है, अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखिए और राइट हैंड यहाँ रखिए, तो लेफ्ट हैंड कटिंग जो एज है उसके अकॉर्डिंग नीचे है और राइट ऊपर है, तो ये कहलाता है बेटा आपका राइट हैंड कटिंग एज, कट मिलिंग कटर, ठीक है, राइट हैंड। अगर ये चीज़ ऐसे होती, अगर यही हेलिक्स कुछ ऐसे होता, ऐसे, तो आप देखेंगे, आप अपने हाथ ऐसे रखिए, इस कटिंग एज को ध्यान में दीजिए, इसमें लेफ्ट ऊपर जा रहा है, राइट नीचे आ रहा है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, तो दिस इज राइट हैंड, राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लैब मिलिंग कटर, ठीक है। स्लैब मिलिंग कटर की खासियत क्या है बेटा, यहां पर हम समझ लेते हैं कि जो स्लैब मिलिंग कटर है, इट रोटेट्स, रोटेट्स
अबाउट ए हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा स्लैब मिलिंग कटर का, वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, तो ये स्लैब मिलिंग कटर की खासियत होती है, ठीक है। तो बेसिकली मशीनिंग होते हुए कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, मशीनिंग होते हुए कैसा दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए आपका कटर है, इसे मैं अभी एज अ सर्किल बना रहा हूं कटर को, ठीक है, और ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, यह ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां से ये जो डेप्थ, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, DOC, डेप्थ ऑफ कट। तो ये तरह मटेरियल इसे रिमूव करना है, बस समझ में आ गई, ओके। तो ये तो था बेटा स्लैब मिलिंग कटर। अब बढ़ते हैं दूसरे मिलिंग कटर के ऊपर, जो सेकंड है आपका बी, वो कहलाता है बेटा फेस मिलिंग कटर, फेस मिलिंग कटर, ठीक है, फेस मिलिंग कटर। तो फेस मिलिंग कटर क्या होता है बेटा, इसे अगर आप टॉप से देखोगे, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ मिलिंग कटर, टॉप व्यू, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे बेटा यहां पर आपका जो कटिंग एजेस है वो यहां पर है, ऐसे, बहुत ही रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा, एक लाइन डायग्राम एक तरह से, ठीक है। ये तो ये आपका इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, जैसे मैंने ये मार्कर रखा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो अब मैं इसका अगर थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, साइड व्यू अगर मैं इसका बनाऊं, अब साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू अगर मैं बनाऊं इसका, तो बेटा कुछ ऐसा दिखाई देगा, दीज आर द कटिंग एजेस, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा इस प्लेन में, ठीक है। तो दीज आर कटिंग एजेस, कटिंग एजेस, कटिंग एजेस, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर टॉप, इसका जो मशीनिंग व्यू होता है वो हमेशा टॉप ही होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका वर्कपीस, मान लीजिए ये आपका कटर है, ये कटर है, एंड दिस इज द वर्कपीस फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है, ये रोटेट करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा और एक फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करेगा, फ्लैट सरफेस एक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है बेटा, इट रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये आपका वर्टिकल एक्सिस और नीचे आपका ये मेरा जो हाथ है ये कटर है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो आपका ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, यहां पर होता है कटर और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, ओके। अगर आप देख रहे थे इससे पहले प्लेन कटर को या आपका स्लैब कटर को, तो वो देख रहे थे आप वर्टिकल प्लेन में आपको दिखाई देता है मशीन करता हुआ, ऐसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यहां से वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है, ओके। तो ये था आपका फेस मिलिंग कटर, ठीक है, इसमें भी बेटा ये हेलिकल हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, ओके, ठीक है। ज्यादा इनकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ज्योमेट्री में आपको बताऊंगा इसकी, ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप के कटर होते हैं, ठीक है। तीसरा जो कटिंग कटर टाइप है, थर्ड वन, दैट इज एंड मिलिंग कटर, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा,
एक लाइन डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पर कटिंग एजेस होती हैं ऐसे, दी ज़्यादा कटिंग एजेस, ठीक है ये, ओके। तो ये भी एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमता है, इसके अबाउट घूमता है, ये भी आपकी कटिंग, ये सब कटिंग एजेस हैं, ये कटिंग एजेस, ठीक है। यहां पे भी कटिंग एज होती हैं, ये दीज आर आल्सो कटिंग एज, ठीक है। तो एंड मिलिंग कटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसी स्लॉट को या ग्रूव को या किसी साइड वाल को जो होता है मशीन करता है, यानी कि ये मशीनिंग कर रहा है किसी ऐसे वर्क पीस को। नोटिस कर लीजिए, यहां पर मान लीजिए ये वर्क पीस है, दिस इज वर्क पीस। तो ये क्या होगा बेटा, ये कटर ऐसे रोटेट करता हुआ आगे पीछे बढ़ेगा। तो एक बेटा आप देख रहे हैं स्लॉट बनाने के काम आ रहा है, ग्रूव बनाने के काम आ रहा है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड मूव करेगा ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रूव तैयार हो जाएगा इसकी लेंथ के अलॉन्ग वर्क पीस की, ठीक है। तो ये होता है इसमें आपका एंड मिलिंग कटर। तो इसकी खासियत क्या होती है बेटा, इसकी खासियत देखिए, इट रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट करता हुआ चलता है आगे पीछे से, ठीक है, ओके। तो इस वॉल, ये जो वॉल है इसे भी मशीन करेगा और बेटा बेस को भी मशीन करता है, फ्लैट सर्फेसिस बनाता है, ठीक है। तो ये आपके तीन बेसिकली कटर थे जो मेन होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम बेटा जो प्लेन या स्लैब मिलिंग कटर होता है उसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए ये आपका, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैब मिलिंग कटर, स्लैब मिलिंग कटर, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये कटर यहाँ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ऐसे एक्सिस ले लेता हूँ और एक एक्सिस ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो कटर की शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसे मैं सिर्फ एक कटिंग एज का पोर्शन बना रहा हूं, ठीक है, एक कटिंग एज का। वैसे कई पोर्शन होते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे होगा, ऐसे ऐसे आपका कटर होंगे पूरी पेरिफेरी पर, ठीक है, ऐसा आपका। अब देखिए आप देख रहे हैं कि एक कटिंग एज ये है, एक कटिंग एज ये है, दो कटिंग एज है यहाँ पर, और इन कटिंग एज के बीच में एक गैप है, जैसे कि गियर में होता है, आपने गियर देखा ही होगा। तो यहाँ पर एक गैप है, इसी गैप की वजह से ये इंटरमिटेंट मशीनिंग होती है, यानी कि जब ये कटिंग एज वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में रहेगी, इसके बाद जब ये कटिंग एज वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आएगी तो बीच में एक गैप होगा, तो रुक रुक कर मशीनिंग होगी। तो इस केस में क्या होता है, मिलिंग के केस में हमेशा ऑलवेज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड, हमेशा डिसकंटिन्यूअस चिप जो होंगी वो फॉर्म होंगी, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे जो है मशीनिंग होती है, इसमें मतलब इसका शेप कुछ ऐसा होता है। पूरा नहीं बनाया मैंने डायग्राम, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, सिर्फ दो आपको मैंने कटर या टीथ दिखा दिए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये हिस्सा जो होता है, मैं एक जो है जो कटिंग एज का पोर्शन है या टीथ है, टूथ है जो एक सिंगल, उसे बना देता हूँ, इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको समझने में।
ठीक है, काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, अब इसमें देखना यह है कि किस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है एक टूथ की, ठीक है, किसी एक टूथ की ज्योमेट्री हम देख लेते हैं कि कैसे होती है। ये मैंने बना दिया एक, ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहां पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। ओके, ये तो कहलाता है बेटा फेस, यानी कि जो टूथ होता है उसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, फेस कहलाता है। ओके, ये जो आपकी टिप है यहां पर, ये मैंने सर्किल में कर दिया है इसे, इसे कहते हैं बेटा कटिंग टिप, कटिंग एज या टिप या लिप, कुछ भी कह सकते हैं बेटा, लिप भी कहते हैं इसे, ठीक है, लिप। ओके, तो दो चीजें हमें पता चल गई, फेस कहाँ है और कटिंग टिप कहाँ है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वाला, यहां से यहां तक का, ये देखिए ये पोर्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं लैंड, क्या कहते हैं इसे, लैंड कहते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका यहां से यहां तक, ये इसे हम कहते हैं हील, ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये पूरा लैंड होता है एक्चुअली, ठीक है, ये आपका हील हो गया। तो पहली चीज तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन चार चीजों को, और भी काफी चीजें होती है लेकिन बेटा हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया ये फेस है, ये कटिंग एज हो गई, ये लैंड हो गई आपकी पूरी यहां से यहां तक, और ये आपका हील हो गई, ठीक है। ओके, नाउ अब दूसरा डायग्राम मैं बना देता हूं यहीं पर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल कौन कौन से कहां कहां होते हैं, ठीक है। ठीक है, वही टीथ है लगभग मान लीजिए, ठीक है, तो आप देखते हैं कहां पर कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये इसे कहते हैं बेटा अल्फा आर, यानी कि रेडियल, रेडियल रेक एंगल, रेडियल रेक एंगल। तो अगर कोई आपसे पूछता है बेसिकली कि यहां पे रेक एंगल का क्या काम है, तो बेटा वही काम है जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हमने पढ़ा था। रेक एंगल जहां पे भी वर्ड आएगा उसका वही काम है कि यहां पर चिप फ्लो होगी, चिप की इजी फ्लो कराने के लिए हम ये लेते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव रेक एंगल, दिस इज पॉजिटिव एक्चुअली, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो निगेटिव होता, अगर ये बिल्कुल ऐसे होता बेटा, यानी कि ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, सॉरी ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पॉजिटिव रेडियल रेक एंगल ही हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं बेटा, ये और ये, तो ये वाला जो एंगल बना आपका, इसे कहते हैं बेटा गामा आर। गामा आर का मतलब होता है बेटा रेडियल, रेडियल रिलीफ या क्लियरेंस एंगल, रेडियल रिलीफ एंगल, इसे क्या कहते हैं बेटा गामा आर को, रेडियल रिलीफ एंगल। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। ओके, नाउ ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे यहां पर लिप एंगल, लिप एंगल, इसे क्या कहते हैं बेटा लिप एंगल। ओके, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये इसे सिंपली कहते हैं बेटा रिलीफ एंगल, क्या कहते हैं इसे, रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल, ठीक है, रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो ये जो है बेटा रेडियल रिलीफ एंगल है ये वाला, ये रिलीफ एंगल आपका किस लिए, ये इसे सिर्फ रिलीफ एंगल कहते हैं। ओके, ये लिप एंगल हो गया आपका और ये हो गया रेडियल रेक एंगल, जो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जनरली जो है ये पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं बेटा रिलीफ एंगल जो हुआ आपका, और प्लस रेडियल रिलीफ एंगल, प्लस लिप एंगल और प्लस पॉजिटिव रेक एंगल, ये मिलके सब 90 डिग्री हो रहे हैं, ठीक है, ये सब 90 डिग्री में आ रहे हैं, ठीक है। इसे मैं साफ कर देता हूं यहां से ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके,
ठीक है। तो ये आपका रेडियल रेक एंगल हो गया, प्लस लिप एंगल हो गया, प्लस रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल हो गया, प्लस रेडियल रिलीफ एंगल ये हो गया। तो ये सब मिलके बेटा 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एंगल पोजीशन पता चल गई, थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि कौन से हिस्से को क्या कहते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। इतनी नॉलेज काफ़ी है मेरे हिसाब से स्लैब मिलिंग कटर की, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि सब क्या है। हेलिक्स एंगल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। अब बेटा जो कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मैं यही दिखा रहा हूँ उसे, कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है वी सी, दिस इज द कटिंग वेलोसिटी। क्योंकि देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके टेंजेंशियल, आपको याद होगा कटिंग वेलोसिटी को हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा था, तो ये हो गया आपका कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके, दिस इज द कटिंग वेलोसिटी डायरेक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है हमने यहाँ पर मिलिंग कटर का, छोटा सा ही ओवरव्यू है, ठीक है। अब ये जो मिलिंग कटर है बेटा आपका, बेसिकली इसके बारे में हमने देख लिया कौन से एंगल कहाँ कहाँ होते हैं और कटिंग एज के किस पोर्शन को, दिस वाज द, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस वाज द फेस, कौन कौन सा पोर्शन को क्या क्या कहते हैं, लैंड कहाँ होती है, हील कहाँ होती है, ठीक है। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ, लैंड का क्या काम है, ठीक है। लैंड जो होती है, सब साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। नोट्स बनाते चल रहे होंगे आई होप आप लोग। लैंड, लैंड का क्या क्या काम है बेटा, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस टूल लाइफ, ये टूल लाइफ को इंक्रीज करती है बेटा, ठीक है। बाय अवॉइडिंग, बाय अवॉइडिंग रबिंग, रबिंग बिटवीन कटर एंड मशीन्ड सरफेस, मशीन्ड सरफेस, ठीक है। रिलीफ एक तरह का ही आपको देखे, मैंने आपको बताया वहां पे रेडियल रिलीफ एंगल मिला, तो रिलीफ एक्चुअली इस तरीके से बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जैसा कि हमने शेप बनाया था मिलिंग कटर का, जरूरत थी वहां पे लैंड लाने की, जिसकी वजह से क्या होता है टूल लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन सरफेस से आपका कटर रब नहीं होता, रब नहीं होता, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था बेटा आपका मिलिंग कटर के बारे में, ठीक, कि कहां कौन कौन सा एंगल होते हैं और क्या क्या पोर्शन है कटिंग टूल के, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे बेटा कि मिलिंग का जो कटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग, ठीक है। तो मिलिंग प्रोसेस जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बेटा दो तरीके से होते हैं, ये बेटा दो तरीके से होते हैं, यानी कि जो मिलिंग आपका होती है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक होती है बेटा अप मिलिंग, और दूसरा होता है बेटा डाउन मिलिंग, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, ठीक है, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो इसमें इन दोनों को अगर आप समझ लेते हैं बेटा, तो इन दोनों को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मिलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, मिलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में बेटा आप देखना कि क्वेश्चन जो है वो हमेशा, या तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बेटा क्या होता है कि इनके बीच डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर अगर आपको लगता है बेटा कि जो मिलिंग हो रही है वो किस तरीके से होती है उसका प्रिंसिपल आपसे पूछता है, तो आप उसे जो है कह सकते हैं कि यही उसका प्रिंसिपल है। इन दोनों को समझा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा यही प्रिंसिपल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बेटा अप मिलिंग की। सबसे पहले बात करते हैं अप मिलिंग की सबसे पहले हम बात करेंगे अप मिलिंग की, कि अप मिलिंग क्या होती है, ठीक है। ओके, तो अप मिलिंग क्या होती है बेटा, कि जब आपका जो कटर है वो बेटा वर्कपीस के अगेंस्ट मूव करता है, ठीक है,
जो कटर है आपका वो वर्कपीस के अगेंस्ट मूव करता है। तो अप मिलिंग समझते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझ लेना है बेटा, ठीक है। अप मिलिंग, तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें आप डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए दिस इज द वर्कपीस, इट इज अ वर्कपीस, ठीक है, और जो कटर है आपका ऐसे है, ठीक है, कटर आपका ऐसे है, और मैंने इस कटर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये मान लिया, यानी कि इस सेंटर के अबाउट ये है। एक ही टूथ दिखा रहा हूं मैं, एक ही कटर दिखा रहा हूं, ठीक है, एक ही कटिंग एज दिखा रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। ये हुआ आपका, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, दिस इज द कटर रोटेशन, कटर रोटेशन, ओके, और वर्क पीस आपका ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फीड, इसे क्या कहते हैं, फीड, ठीक है। तो बेटा जो चिप उतरेगी वो कुछ ऐसे उतरेगी, ये दिस इज द चिप, ये उतरेगी एज चिप, ठीक है, ओके। तो ये कटर रोटेशन है, ये आपका फीड है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं कि कटर इज रोटेटिंग अगेंस्ट वर्कपीस मोशन, वर्कपीस की मोशन कौन सी है बेटा, फीड। तो फीड जो होती है बेटा यहां पर, फीड, फीड जो है दैट इज नोन एज वर्क मोशन, वर्क मोशन, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, कटर रोटेशन, कटर रोटेशन इज अगेंस्ट वर्क मोशन, वर्क मोशन। सबसे पहली बात जो आपको इंपॉर्टेंट समझनी है, वर्क मोशन, यानी कि जो कटर रोटेशन है वो आपकी वर्क मोशन है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो हाँ ठीक है, ये समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज जो इसमें आपको समझनी है, आप जो चिप है उसकी थिकनेस देखिए। याद रखना बेटा, मिलिंग के केस में चिप थिकनेस हमेशा वेरी करती है, जबकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के केस में जो होती है बेटा आपकी चिप थिकनेस वो कांस्टेंट रहती है। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर चिप थिकनेस वेरी कर रही है। आप देख सकते हैं बेटा कि चिप थिकनेस यहां पर कुछ और है और यहां पर कुछ और है, तो वेरी कर रही है। अब वेरी कैसे कर रही है बेटा, यहां मिनिमम है चिप थिकनेस और यहां मैक्सिमम, ये मैक्सिमम चिप थिकनेस है, ये दिस इज द मैक्सिमम चिप थिकनेस, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिप थिकनेस, चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, कि चिप थिकनेस जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वेरी करती है, ठीक है। तो मिनिमम जो होती है ना वो जर्नली, यानी कि जो चिप थिकनेस है, मिनिमम चिप थिकनेस दैट इज जनरली इज टेकन एज जीरो, मिनिमम चिप थिकनेस को जनरली हम जीरो ले लेते हैं ज्यादातर, ठीक है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो चिप थिकनेस है वो जीरो है ना, यहां पर जो है मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम चिप थिकनेस, मैं से यहां दिखा देता हूं, मैक्सिमम चिप थिकनेस, मैक्सिमम चिप थिकनेस, ओके। हाँ, तो चिप थिकनेस जाओ मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वेरी करती है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज आपको समझ में आ गई, अच्छा हाँ, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे पहचान होती है कि अप मिलिंग है, जिससे आपको पता चलता है कि ये अप मिलिंग है, ओके। अब देखो बेटा, आप नोटिस करेंगे कि कटिंग टूल दूसरा, कटिंग एज जो होगी दूसरी वो यहां होगी ना ऐसे, तो आप नोटिस करेंगे बेटा ऐसा पॉसिबल है कि जो कटिंग
जो टूथ है आपका कटर का, वो मशीन सरफेस पर रब हो यहाँ पर, ये वाला जब यहाँ आएगा तो हो सकता है ये इस पर रब हो, तो सरफेस फिनिश जो होती है इस केस में वो थोड़ी कम होती है। तो यहाँ लिख दूँ मैं कि इन केस ऑफ अप मिलिंग के केस में लो सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होती है, लो सरफेस फिनिश, लो सरफेस फिनिश होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जो कटर का जो टूथ है या कहूँ जो कटिंग एज है कोई पर्टिकुलर, वो मशीन सरफेस पर रब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पुअर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से देखना, जब ये चिप रिमूव हो जाएगी ये वाली, तो कभी कभार क्या होती है कि ये जो दो टीथ के बीच में आपका गैप होता है उसमें रुक जाती है और आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ घूमती है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि ये चिप अलग होने के बाद अपने पैरेंट मटेरियल से इन दोनों टीथ के बीच फंसी रह जाए और इसके साथ घूमती रहे, तो इससे क्या होता है बेटा कि जो कटिंग टूल होता है उसे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, कटर को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम कह देते हैं बेटा लो टूल लाइफ, ठीक है। बिकॉज द सेपरेटेड चिप मे रिमेन इन बिटवीन टू कटिंग एजेस, ऐसा पॉसिबल है कि हील में फंसी रह जाए, ये हील पोर्शन यहाँ फंस जाए और बेटा कटर के साथ साथ घूमती रहे, तो ऐसा एक चिप तो रिमूव नहीं होगी, कई चिप होंगी, तो कई चिप आपकी एकोमोडेट होनी शुरू हो जाती है इस गैप में, जिसकी वजह से क्या होता है कि कटिंग टूल की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है बेटा कि ऐसा होने से टूल लाइफ कम हो जाती है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है बेटा, इसी वजह से कि कटिंग चिप इनके बीच फंसी रह जाती है, हाई वियर डेवलप होती है इसमें, हाई टूल वियर, इसी वजह से टूल लाइफ कम होती है, ठीक है। यानी कि जब टूल वियर हाई होगी तभी तो बेटा टूल लाइफ कम होगी, तो किस वजह से होती है बेटा, वही चिप की वजह से, ठीक है। ओके, बस समझ में आ गई, ठीक। अब नोटिस कीजिए बेटा कि यहां पर क्या होगा कि कटिंग टूल को यहां पर फिक्स किया जाएगा, ऐसे कटिंग टूल को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जो आपकी जो मिलिंग मशीन होती है उस पर एक ऐसा बेटा टेबल होती है जिसे हम वर्क टेबल कहते हैं, उसके ऊपर जिग्स एंड फिक्स्चर की मदद से फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा कि जो फिक्सिंग फिक्स्चर जो फोर्स है वो बहुत ही सुटेबली लगा होता है, क्योंकि इसे इधर मुड़ना, इसे इधर मुड़ना, इसे अगेंस्ट जा रहा है कटर जो है वर्क पीस के अगेंस्ट जा रहा है, जिससे क्या होता है बेटा आपका टूल जो है अपनी पोजीशन से, जो सॉरी वर्क पीस है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलता। तो हम कह सकते हैं बेटा एक पॉइंट और यहां पर, गुड ग्रिप, वर्कपीस पर बहुत अच्छी ग्रिप बनी रहती है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वर्कपीस फिक्चर में से निकल जाए, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्रिप इसमें अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप ऑफ मिलिंग की, ये तो आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। ओके, मैं इसे साफ कर देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इन्हें ही डिफरेंस बनाकर लिख देंगे आप तो आपको मिल जाएगा एक सुटेबल आंसर, ठीक है। अब दूसरे टाइप की जो मिलिंग है उसकी बात करते हैं बेटा, नंबर टू, इसे कहते हैं बेटा डाउन मिलिंग। क्या कहते हैं बेटा इसे? डाउन मिलिंग। इसके अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो दिस इज द वर्क पीस, ये आपका वर्क पीस हो गया। अब इसमें जो कटर होगा वो किस तरीके से होगा? वो होगा बेटा यहां पर, ये आपकी चिप होगी ऐसे ही, चिप का शेप वही रहता है ऐसे इसी तरीके से, ठीक है। तो जो कटर होगा आपका वो ऐसे होता है, ठीक है। और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कटर, ये ऐसे रोटेट करता है, ये ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। दिस इज द चिप थिकनेस, ये आपकी चिप। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर दूसरा कटर कैसे होगा बेटा, दूसरा कटर आपका ऐसे होगा, ऐसे रोटेट कर रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। ठीक है, इतना समझना बहुत है। एंड दिस इज द फील्ड, तो इसे कहते हैं बेटा डाउन मिलिंग। इसे क्या कहते हैं बेटा? डाउन मिलिंग। ओके, तो डाउन मिलिंग का जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आया क्या,
कि कटर रोटेशन विल बी इन सेम डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन। यहां पर बेटा जो कटिंग वेलोसिटी है और जो फीड है वो सेम डायरेक्शन में है, तो कटर का रोटेशन आपको फील होगा कि फीड के ही डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब आप नोटिस करेंगे चिप बननी यहां से स्टार्ट होगी, तो जो चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, उल्टा है ठीक, इसमें अपमिलिंग का ठीक इसमें जो है वो आपका उल्टा है ठीक, ठीक है। तो अपमिलिंग में क्या होगा बेटा कि चिप थिकनेस वेरी करेगी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, ठीक है। यहां पर यानी कि शुरुआत में मैक्सिमम चिप थिकनेस मिलेगी, उसके बाद आपका मिनिमम मिलेगी, इसमें ठीक उल्टा है जो हमने वहां पर देखा था, ठीक है, ओके। अब इसमें नोटिस कीजिए आप कि जो कटर है, कटिंग एज है, वो वर्क पीस पर रब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए सरफेस फिनिश हाई होती है, हायर सरफेस फिनिश, ठीक है। ये कटिंग एज जो है ये आपकी गुजर जाएगी यहां से ऐसे चली जाएगी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं बेटा कि आपका कि मशीन सरफेस पर कोई कटिंग एज रब हो जाए, जिसकी वजह से सरफेस फिनिश इसमें बहुत अच्छी होती है। तीसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट इसमें कि इसमें जो चिप निकलेगी वो बेटा मशीनिंग एरिया से फौरन बाहर हो जाएगी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसमें अटकी रह गई, इसमें फौरन बाहर हो जाएगी क्योंकि वो यहां पर गिर जाएगी, उसे साफ करते चले जाएंगे कूलेंट के द्वारा, ठीक है। तो चिप जो है इसमें मशीनिंग एरिया से फौरन बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा हायर टूल लाइफ। और जब बेटा इसमें चिप जो गैप होगा बिटवीन टू टीथ जो गैप होगा उसमें नहीं फंसेगी, तो टूल वियर भी बेटा कम होगी, ऑब्वियस अगर हायर टूल लाइफ है तो टूल वियर कम है, तो लोअर टूल वियर, लोअर टूल वियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लोअर टूल वियर होगी इसमें साथ साथ, ओके। लास्ट चीज जो देखना है बेटा, यहां पर जो है फिक्स्चर फोर्स बहुत हाई चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जब आपका कटर रोटेट करे तो उसके साथ वर्कपीस की जो फीड है वो सेम है, तो ये वर्कपीस जो है निकल जाए, तो इसमें क्या होता है बेटा फिक्स्चर फोर्स जो है बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहां वहां पर लोअर होना चाहिए, यहां पर हायर फिक्स्चर, हायर फिक्स्चर फोर्स, हायर फिक्स्चर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि कटिंग ना होने की वजह से अगर कटर वर्कपीस में फंसा रह गया तो ये इधर निकल जाएगा, तो इसलिए क्या होता है इसमें दोनों तरफ से फिक्स्चर लगाना जरूरी होता है, उसमें दोनों तरफ से लगाना जरूरी नहीं है बेटा, उसमें सिर्फ एक तरफ से लगा दीजिए, क्योंकि कटर ऐसे रोटेट करेगा तो वो इधर की तरफ पुश होगा वर्कपीस, है ना, तो सिर्फ एक तरफ फिक्स्चर लगा दीजिए आप, वो बहुत होता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ फिक्स्चर लगाना बहुत बहुत जरूरी होता है, तो हायर फिक्स्चर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके। अब ये बेटा आपको पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, अप मिलिंग डाउन मिलिंग, ठीक है। तो इसमें एक दो पॉइंट अभी और है, ओके। तो हमने पढ़ा बेटा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो यही बेटा प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग होते हैं बेसिकली, ठीक है, कि कैसे मिलिंग की जाती है, इसमें ये समझाया जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है, आपके पास दोनों डायग्राम होंगे आई होप सो, ठीक है। इसमें बेटा ये जो है आपको चीज इसलिए समझनी है, नोट ये इसलिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपमिलिंग का एक दूसरा नाम आ जाता है, यानी कि जो अपमिलिंग है बेसिकली अपमिलिंग, इसे कहते हैं बेटा हम दूसरे तरीके में कन्वेंशनल मिलिंग, ये कन्वेंशनल मिलिंग के नाम से भी अब मिलिंग जाने जाती है। और दूसरा बेटा जो आपका डाउन मिलिंग है
डाउन मिलिंग है, इसे अगर ध्यान से देखें आप तो इसे क्लाइंब मिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लाइंब। अब बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लाइंब मतलब तो चढ़ना, तो चढ़ने के लिए तो अप होगी, है ना? ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्लाइंब मिलिंग। ठीक है, देखो बेटा ये है आपका डाउन मिलिंग का डायग्राम, हमने देखा है अभी। तो डाउन मिलिंग के डायग्राम में आप नोटिस कर रहे हैं बेटा कि जो कटर है वो ऐसा लग रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे वर्कपीस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वर्कपीस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं अपने इस मार्कर को ऐसे रोटेट कराऊं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, तो ये ऐसा लगता है जैसे बेटा ऊपर चढ़ रहा है वर्कपीस। ठीक है, कटर, कटर जो है वर्कपीस के ऊपर ऐसे चढ़ रहा है, इसलिए इसे क्लाइंब मिलिंग कहते हैं। ठीक है, आप देख लेना, किसी भी वीडियो में देख सकते हैं आप जहां पर आपकी अप मिलिंग और डाउन मिलिंग हो रही है। आप नोटिस करेंगे कि इस केस में ऐसा लगेगा जब ऐसे रोटेट होगा कटर कि वो वर्कपीस के ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए इसे क्लाइंब मिलिंग कहते हैं। क्लाइंब मिलिंग को बेटा अप मिलिंग मत समझ लेना, अप मिलिंग को हम कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिखवा दिया ताकि आपका किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो ये था आपका बेटा प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग। इस प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग में हमने देखा किस तरीके से मशीनिंग होती है, किस तरीके से आपका मिलिंग मशीनिंग होती है और कौन कौन से कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव में तो फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा जनरली आ जाता है। ठीक है, तो अब वो करते हैं हम मैक्सिमम चिप थिकनेस, मैक्सिमम चिप थिकनेस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम चिप थिकनेस? क्या होती है मैक्सिमम चिप थिकनेस? आपको ये पता चल गया बेटा कि मिलिंग के दौरान जो चिप बनी वो चिप बेटा उसकी थिकनेस जो है वेरी कर रही है, कहीं मैक्सिमम टू मिनिमम और कहीं मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका एक आप नोटिस करा होगा आपने कि वहां पर चिप थिकनेस कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो चिप थिकनेस है वो मैक्सिमम अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको इसे एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, इसका एक छोटा सा इक्वेशन है उसे ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में तो मान लीजिए दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस एंड दिस इज द चिप, दिस इज द चिप, ये आपका वर्क पीस हो गया और वो आपकी चिप हो गई। अब आप देख रहे हैं कि चिप थिकनेस वेरी करती है, चिप थिकनेस डेफिनेटली वेरी करेगी हर हालत में, ये आपकी चिप थिकनेस है, ये मैक्सिमम, दिस इज द ए मैक्स, ए मैक्स। तो जो मैक्सिमम चिप थिकनेस होती है उसे हम ए मैक्स कहते हैं, ए मैक्स। ठीक है, ओके, नोटिस कर रहे होंगे आपकी कैसे हो रही है। ठीक, तो क्या होगा बेटा इसमें जो कटिंग एजेस होंगी, कटिंग टूल की, वो कुछ ऐसे होंगी, मैं आपको छोटी छोटी कटिंग एज बना के दिखा रहा हूं, ये ऐसे समझ लीजिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ आपका रोटेशन, इसे यही ले लेना। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया है बेटा, जो टीथ है आपके मिलिंग कटर के उनके आगे आगे के पोर्शन बना दिए हैं, तो दिस इज द आपका यहां से ये जो लेंथ है इसे कहेंगे हम मैक्सिमम चिप थिकनेस। ठीक है, ओके, अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटा कि ये जो डिस्टेंस है, आपको मैं बता दूं, ये डिस्टेंस, ये बेटा होती है फील्ड, ये होती है फील्ड। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक टूथ जो है मिलिंग कटर का वो एक चिप को रिमूव करेगा, बस समझ भाई, एक टूथ एक चिप को रिमूव करेगा पर फील्ड, पर फील्ड। तो जो फील्ड है यहां पर एफ, ये एक्चुअली दी जाती है, इसे कहते क्या है बेटा, इसे कहते हैं बेटा टेबल फील्ड, टेबल फील्ड यानी कि जो वर्क टेबल होती है। ठीक है, जब हम मशीन का एनालाइज करेंगे तब हम देखेंगे कि टेबल फील्ड क्या, टेबल क्या होती है, वर्क टेबल क्या होती है। तो टेबल फील्ड पर रेवोल्यूशन, पर रेवोल्यूशन,
ठीक है। तो एफ जो है आपका वो टेबल फीड है, सॉरी पर रेवोल्यूशन नहीं, पर टूथ, सॉरी पर टूथ, टेबल फीड एफ इज इक्वल टू है टेबल फीड पर टूथ, ठीक है पर टूथ। हर कटिंग टूथ के लिए मिलिंग कटर के जो फीड दी जाएगी टेबल को वो एफ दी जाएगी। तो ये बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा एमएम पर टूथ, एमएम पर टूथ, समझ में आई बात। तो टेबल फीड यानी कि टेबल को कितने एमएम आगे बढ़ाएं हर कटर के लिए, हर कटिंग टूथ के लिए, हर कटिंग टूथ के लिए, वो कहलाएगी आपकी बेटा स्मॉल एफ। तो आप इससे नोटिस कर रहे होंगे कि जब जब आपकी एक चिप रिमूव होगी तो वो बेटा एक जो है टूथ मिलिंग कटर का वो रिमूव करेगा। अब अगले टूथ पे, अगले टूथ से जब आपकी दूसरी चिप रिमूव करनी होगी, अगली चिप रिमूव करनी होगी, तो आपको टेबल को एफ एम एम फीड देनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आपको एफ एम इधर लाना पड़ेगा, दिस इज फीड, ठीक है, दिस इज कन्वेंशनल मिलिंग, एक्चुअली ये कन्वेंशनल मिलिंग है, ओके। तो हर टूथ के लिए आपको एफ एम एम वर्क टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हर टेबल को, ठीक है, हर हर टूथ के लिए। तो ये कहलाती है फीड, टेबल फीड पर टूथ, इतने एमएम पर टूथ हर बार टेबल को एडवांस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे वो अप मिल लेंगे चाहे वो डाउन मिल लेंगे, दोनों के लिए ये बात बिल्कुल सत्य है, ओके। नाउ अब मैंने क्या किया बेटा, इसे और इसे आगे बढ़ा दिया, यानी कि जहां मैक्सिमम चिप थिकनेस है इसे आगे बढ़ा दो सेंटर तक, और जहां पर ये वर्टिकल लाइन है इसे आगे बढ़ा दो। तो ये एक एंगल निकल के आया मेरे पास, इसे हम कहते हैं साई एंगल, साई क्या कहते हैं बेटा, साई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं व्हाट इज साई, व्हाट इज साई, दिस इज एंगल ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यानी कि इतने एंगल जो है आपका कटर मिलिंग कटर वर्क पीस के साथ इंगेज रहेगा इतने एंगल तक, ठीक है, वर्टिकल से जब तक इतना एंगल बनेगा तब तक कटर, ये जो आपका टीथ है एक कटर का, ये जो एक सिंगल टूथ है ये बेटा इतने एंगल तक वर्क पीस के कांटेक्ट में रहता ही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंगेजमेंट क्या हो गया बेटा, इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर ए सिंगल टूथ फॉर विच इट रिमेन्स ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद वर्क पीस, ठीक है, ये वो आपका एंगल है जिसके दौरान एक मिलिंग कटर का टूथ हमेशा वर्क पीस के कांटेक्ट में रहेगा। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंगेजमेंट, बात समझ में आ गई, ए मैक्स आपको पता चल गई, ओके। नाउ दिस डायमेंशन, ये डायमेंशन कहलाती है डी ओ सी, यानी कि डेप्थ ऑफ कट, क्या कहलाती है बेटा, ये डेप्थ ऑफ कट, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। कोई ऐसी चीज जो इसमें अब तक अगर समझ में नहीं आए बेटा तो एक बार फिर से क्या करें आप, इस लेक्चर को देखें, अगर यही कोई समझ नहीं आई या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछें कि क्या चीज इसमें आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, फिर से बता देता हूं क्या हो रहा है बेटा। ये कन्वेंशनल मिलिंग का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें ये एक टीथ है आपका, एक टूथ है जो कि यहां पर मैंने अलग अलग पोजीशन पे दिखाया, तो आपको समझ में आ गया कि सिंगल कटिंग टूथ जो है वो यहां से यहां तक आपका कॉन्टेक्ट में रहेगा, और जहां पर इस चिप की ये डायमेंशन सबसे ज्यादा होगी, ये वाली डायमेंशन अलोंग द रेडियस, तो बेटा वो कहलाएगी मैक्सिमम। आप देख रहे हैं कि इससे ज्यादा चिप थिकनेस कहीं हो ही नहीं सकती, ठीक है, और याद रखना है ये डिस्टेंस हमेशा अलोंग द रेडियस ऑफ कटर मेजर करनी है, कटर के रेडियस के अलोंग आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, तब आपको जो मैक्सिमम डायमेंशन मिलेगी वो कहलाएगी मैक्सिमम चिप थिकनेस ए मैक्स। अब जहां पर मैक्सिमम चिप थिकनेस है वहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट से वहां तक आपका जो कटिंग टूथ है वो कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो इस दौरान ये रेडियली कितना एंगल इस पर सबटेंड करता है सेंटर पे, या कितना एंगल बनाता है, वो कहलाता है बेटा एंगल ऑफ इंगेजमेंट, ठीक, ये डायमेंशन आपकी जो होती है इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर थे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं हर हालत में, ठीक है। अब ये डायमेंशन जो है आपकी, ये फीड है, फीड जो होगी वो एमएम पर टूथ, यानी कि जब जब आपका टूथ नया कांटेक्ट में आएगा वर्क पीस के यहां पर, आपको वर्क टेबल को इतने एमएम इधर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक चिप सिंगल टूथ
कैरी करेगा हमेशा, वही उतारेगा। तो एक टूथ के लिए एक चिप बनेगी, कई टीथ के लिए कई चिप बनेगी, तो हर टूथ के लिए सिंगल सिंगल चिप बनेगी, ठीक है। और जैसे ही एक टूथ अपनी चिप उतार देगा, आपको वर्क टेबल को क्या करना होगा, इतने एमएम फीड से आगे बढ़ाना होगा। तो यह कहलाती है फीड पर टूथ, फीड पर टूथ, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या समझना है, आपको ये डायग्राम एक बार फिर से देखना है बेटा, बहुत ध्यान से, ओके। तो अब बेटा हम इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया बेटा कि ये जो डिस्टेंस है, यानी कि दिस इज द रेडियस ऑफ कटर डी बाई टू, ठीक है, ये यहां से यहां तक की, ठीक है। तो d by 2 क्या हो गया बेटा, d by 2 रेडियस ऑफ कटर, ठीक है, ये आपके पास समझ में आ गई। तो सारी डायमेंशन कौन सी कहां है ये हमने देख लिया है, अब हम सिंपली ड्राइव करेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, मैं ये साफ कर देता हूं पहले, ठीक है, इसी डायग्राम की मदद से हम सॉल्व करेंगे कैसे क्या होगा, ठीक। तो ओके, ध्यान से देखिए बेटा, मैं इस लाइन को, ये जो सरफेस है, ये वाला वर्क पीस, कैसे आगे तक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये एंगल साई है, जैसे कि हमें पता है दिस इज द एंगल साई, तो ये वाला एंगल ये 90 हो गया बेटा, ये साई, ये 90, तो ये वाला कितना होगा बेटा, 90 माइनस साई, करेक्ट, दिस इज द 90 माइनस साई। अब देखिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट करती है, तो अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 90 माइनस साई, तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस साई, ठीक है। ध्यान से देख लेना बेटा, इस ट्रायंगल में ये हो गया आपका साई, ये 90, तो ये 90 माइनस साई हो गई होगा, अब ये अपोजिट एंगल एक दूसरे के, ठीक है, तो ये 90 माइनस साई हो गई होगा बराबर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि ए मैक्स अपॉन एफ, बताइए बेटा, यानी कि ए मैक्स अपॉन एफ, तो बेटा आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी टेंजेंट मानूं कि ये इसकी टेंजेंट है, ये यहां तक हो जाएगी ए मैक्स, ये इसकी टेंजेंट, तो आप देखेंगे कि ये इस ट्रायंगल में लगभग इस ट्रायंगल में, ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये क्योंकि टेंजेंट रेडियस के हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ही है, ये तो रेडियस हो गई, ये इसकी टेंजेंट हो गई, तो बेटा इनके बीच कहेंगे 90 हो गया या नहीं, तो बेटा ये ए मैक्स है, ये एफ है, ठीक है, यहाँ तक दिखाया मैंने, बट यहाँ तक ही मान लेते हैं लगभग, तो ये एफ है, ये आपका फीड है, और दिस इज ए मैक्स, तो मैंने कहा ए मैक्स अपॉन एफ, तो बराबर होगा बेटा ये कॉस 90 माइनस साई के होगा या नहीं, ये बताइए, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, मैं नाम बता देता हूँ इसका, ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, तो ट्रायंगल एबीसी में आप नोटिस कीजिए बेटा कि ए मैक्स अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कॉस 90 माइनस साई, यानी कि ए मैक्स का जो फॉर्मूला आ गया आपका, वो आ गया बेटा एफ साइन साई। एक तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, स्पेक न्यूमेरिकल की फॉर्म में, या ये एक नंबर में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ए मैक्स इक्वल टू आगे बेटा एफ साइन साई, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ओके। अब एक चीज होती है बेटा इसमें, एफ एम, ठीक है, तो ये भी फीड ही है, जैसे वो थी आपकी टेबल फीड थी, वो पर टूथ, ये कहलाती है बेटा फीड ऑफ कटर, यानी कि ये कटर की फीड है, अब कटर की फीड हो या फिर टेबल की फीड हो, बात एक ही है, पर मिनट, ठीक है, यानी कि अगर ये इधर F से जा रहा है, तो ये भी इधर F से जा रहा होगा, रिलेटिवली अगर हम देखें सापेक्ष तौर पे, तो ये बात एक ही होती है लगभग, लेकिन याद रखना कि ये वाली फीड पर मिनट है, ये वाली फीड क्या है आपकी बेटा, पर मिनट है, ठीक है। मैंने मान लिया ZC, नंबर ऑफ कटिंग टीथ
ऑन कटर, कटर पे मैंने मान लिया जो नंबर ऑफ कटिंग टीथ है वो जेड सी है, नंबर ऑफ कटिंग टीथ हम कह सकते हैं ये बात, ठीक है। इसके अलावा एन इज द, एन क्या मान ली मैंने, स्पीड ऑफ कटर, स्पीड ऑफ कटर आरपीएम में होगी, रेवोल्यूशन पर मिनट में, रेवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा एफ इक्वल्स टू, यानी कि फीड ऑफ टेबल पर टूथ विल बी इक्वल टू एफ एम अपॉन जेड सी इंटू एन होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको फीड पर मिनट दी होगी और पूछ लेगा बताइए फीड पर टूथ क्या होगी, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, एफ एम अपॉन जेड सी नंबर ऑफ टीथ इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो अगर आपको बेटा फीड पर टूथ दी है इतने एमएम पर टूथ, तो आप उससे बेटा क्या निकाल सकते हो, फीड पर मिनट यानी कि एमएम पर मिनट में निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से सीधा सीधा, ठीक है, बहुत इजीली आप इसे निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फीड को यूनिट कन्वर्ट करने का। फीड मान लीजिए दिए आपकी इतने एमएम पर टूथ के लिए और आपको निकालनी है इतने एमएम पर मिनट के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ओके नाउ अब ध्यान से देखे बेटा, आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट हो गया। तो दो फॉर्मूले अब तक आ गए हैं हमारे पास जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिंग के केस में, ठीक है। ओके अब आगे देखते हैं बेटा, ठीक है, इसे मैं कह देता हूं बेटा ओ, ये ए बी सी हो गया, इसे कह देता हूं बेटा डी और इसे कह देता हूं ई, इस पॉइंट को, ये पॉइंट ई हो गया, ये डी हो गया, ठीक है, हाँ ऐसा कर देते हैं इसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा कि आप नोटिस कर रहे होंगे ओ ई इज इक्वल टू है डी बाई टू रेडियस है, नहीं यानी कि कटर की रेडियस है ओ ई, ओके ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम ओ डी क्या होगा, ओ डी, ओ डी क्या होगा बेटा, ओ ई में से अगर मैं डी ई घटा दूं, डी ई घटा दूं, ओके अगर मैं ओ डी में ओ डी को निकालना है मुझे, तो मैं ओ ई में से यहां तक में से डी ई घटा दूं, तब मेरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ई आपका हो गया डी बाई टू और डी ई क्या है बेटा, डी ई आप ध्यान से देखें डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट को मैं ले लेता हूं स्मॉल डी के नाम से, तो स्मॉल डी, तो ये आ गया बेटा ओ डी, तो ओ डी आ गया आपके पास, ठीक है। ओके अब मैं बात करता हूं बेटा ओ बी की, ओ बी देखो बेटा ओ बी, ओ बी क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक आप मतलब देखें अगर, तो दिस इज नथिंग बट रेडियस, ये क्या है बेटा रेडियस, ये यहां से यहां तक रेडियस है ना, ओके तो ओ बी अगेन क्या है बेटा डी बाई टू। अब मुझे निकालना है बेटा ओ ए, ओ ए तो ओ ए बराबर होगा बेटा ओ बी माइनस ए बी, ओ बी माइनस ए बी करेक्ट, ओके तो ओ बी क्या है बेटा, हमने देखा अभी रेडियस डी बाई टू, ए बी क्या है बेटा ए मैक्स, ए मैक्स, समझ में आई बात, ठीक है समझ में आ गई ये बात, ओके नाउ सिंस ए मैक्स जो है ना बेटा मैक्सिमम चिप थिकनेस वो बहुत बहुत छोटी होती है रेडियस ऑफ कटर से, बहुत छोटी होती है, यानी कि अगर ये आपका 50 mm की रेडियस है तो ये बेटा 0.5 mm 1 mm ऐसे होती है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये लगभग लगभग बराबर ही आएगा किसके डी बाई टू के, बहुत कम फर्क पड़ता है अगर डी बाई टू में से ए मैक्सिमम को मैं घटा दूं, ठीक है ये बात समझ में आ गई आपके, ओके नाउ इसे मैं, ये आपके समझ में आया, अब मैं इसे साफ कर देता हूं बेटा, नोट्स बनाते चलें साथ साथ, ठीक है क्योंकि चीजें वीडियो में, अब देखिए मेरे पास तो छोटा बोर्ड है ना, मुझे तो बार बार मिटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें, अदरवाइज बेटा बहुत मुश्किल हो जाती है समझने के लिए कि क्या बताया था पहले सर ने, किस तरह बताया था, ठीक है तो उस चीज को अवॉइड करें आप नोट्स बनाते चले, डायग्राम बनाते चले, ठीक है समझ में आता रहेगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ओ ए डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ओ ए डी, ये वाला ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, तो इसमें आप देखेंगे बेटा कि अगर ये 90 है ये साई है, ये वाला साई है, ठीक है तो मैं लेता हूं बेटा ध्यान से देखना कॉस साई,
इज इक्वल टू कॉस साई, तो कॉस साई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का तो फॉर्मूला यही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कॉस साई इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस यहां पर होगा ओडी और हाइपोटेनस होगा आपका ओ ए। ध्यान से देख लीजिए बेटा इसे, अपने डायग्राम में देखिए, मेरे डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, ओ डी इस ट्राइंगल में बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो OD अपॉन OA। अब OD की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, अभी हमने जस्ट अभी निकाली थी OD की वैल्यू, OD की वैल्यू हमने निकाली थी बेटा D by 2 माइनस डेप्थ ऑफ कट, करेक्ट, रेडियस माइनस डेप्थ ऑफ कट, अपॉन OA की वैल्यू हमने देखी वो हो गई D by 2, ए मैक्सिमम घटाया था लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता तो हमने इसे लिख दिया, लेकिन डेप्थ ऑफ कट अगर इसमें से घटाओगे तो फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे रिटेन किया यहाँ पर बनाए रखा। ओके, तो यहाँ से ये आ गया बेटा आपका 1-2 इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, मैंने इसको इसके साथ ले लिया एक बार, फिर माइनस करके इसको इसके साथ ले लिया, तो मेरे पास ये आ गया कॉस साई की वैल्यू, कॉस साई की वैल्यू। अब मुझे ये बताइए बेटा ए मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, ए मैक्सिमम का, ए मैक्सिमम वॉज इक्वल टू एफ साइन साई, ये था या नहीं, ठीक है। अब इसमें मुझे कॉस साई से साइन साई की वैल्यू रखनी है, अब आप नोटिस कीजिए बेटा साइन साई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1-cos साई, बताइए सही है या नहीं, आपको पता है ना कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 होगा, वहां से मैं ये रिलेशन लेके आया हूं कि साइन साई इज इक्वल टू अंडर द रूट 1-cos साई, कॉस साई की वैल्यू आपके पास है, सॉरी कॉस स्क्वायर साई, ठीक है, कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 और साइन साई इज इक्वल टू हो जाएगा 1-cos स्क्वायर साई का स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू ये जो है ये मैं यहां पुट कर देता हूं, ये आ जाएगा 1-2d अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर का अंडर रूट, देखिए ध्यान से, ठीक है, स्टेप वाइज चलते रहिए धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं बेटा, ये तो 1 रहा ऐसे ही, माइनस 1 का स्क्वायर 1, पहले मैं इस ब्रैकेट में ही रखता हूं उसे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, हाँ 4 डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, ये आ जाएगा, बताइए समझ में आया या नहीं, ठीक है, ओके समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए बेटा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ओके। नाउ अंडर द रूट सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, बहुत ब्रैकेट खोल देता हूँ, ये हो जाएगा 1-1-4d² अपॉन डी स्क्वायर और प्लस 4d अपॉन डी, ठीक है, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 1-1 है, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, यहां से मैं साफ कर देता हूं ये, ठीक है, साइन साइज बन, ठीक है, अब 1 से 1 कट गया 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा और यहां बचेगा ब्रैकेट में आपका स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी स्क्वायर, ठीक है समझ में आ गई ये बात, ओके ठीक है। नाउ अब हम ए मैक्स की वैल्यू में इसकी वैल्यू रख देते हैं, नाउ द ए मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा एफ इंटू साइन साई की वैल्यू ये तो 2 इंटू एफ स्क्वायर रूट स्मॉल डी बाई डी माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी मैक्सिमम चिप थिकनेस का फॉर्मूला, आपने ड्राइव कर लिया है यहां पर आपने उसे ड्राइव कर लिया है, ओके। नाउ कुछ बुक्स में या कभी कभार कंपटीशन में फॉर्मूला ऐसे आ जाता है, कैसे कि ए मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू फीड अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, इतना आ जाता है, ये क्यों आया है बेटा, देखिए डेप्थ ऑफ कट अपॉन रेडियस का जो रेशो होगा ना वो बहुत बहुत छोटा होगा, इज वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है बेटा, डेप्थ ऑफ कट और डायमीटर ऑफ कटर का जो रेशो है वो बहुत छोटा है, अब जब इसका स्क्वायर होगा तो ये और छोटा हो जाएगा, इस वजह से इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और फॉर्मूला रह जाता है इतना,
ठीक है, इतना आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते, वैल्यू लगभग लगभग सेम आएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो बड़ी क्वांटिटी में से जब छोटी क्वांटिटी घटती है कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से कुछ बुक्स में या कंपटीशन के न्यूमेरिकल में या कंपटीशन में जब ये फॉर्मूला पूछा जाता है तो ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, और ऐसा ही सबसे ज्यादा बार आया है, ऐसे कभी नहीं आया, ऐसे ही आया, क्योंकि इसे नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि ये बहुत छोटी है और छोटी जिसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। ठीक है, तो भैया ये था आपका मैक्सिमम चिप थिकनेस का फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटा ये मैक्सिमम चिप थिकनेस का फॉर्मूला जो है ये किसी भी डेप्थ ऑफ कट के लिए आ सकता है, किसी भी डेप्थ, यानी कि आपको पर्टिकुलर डेप्थ पे अगर देखना है कि चिप थिकनेस कितनी है, ठीक है, किसी भी डेप्थ, मान लीजिए ये आपकी वर्क पीस था, मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं ऐसे, ये तो, ये तो मैक्सिमम थी, मान लीजिए मुझे यहां चेक करना है कितनी, तो बेटा मुझे क्या करना होगा, ये डेप्थ ऑफ कट मिल जाए, ऐसे मैंने मान लिया, कह दिया डी आई, यहां तो ए मैक्सिमम है मुझे पता, लेकिन यहां तो मैक्सिमम नहीं है ना, तो मैंने मान लिया यहां पर डेप्थ ऑफ कट डी आई है, तो यहां पर जो चिप थिकनेस होगी उसे मैं ए आई कहूंगा, क्या कहूंगा बेटा, ए आई, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, अब ये ए आई है, ओके, तो ए आई जो होगा बेटा वो होगा 2f स्क्वायर रूट डी आई अपॉन डी, आपको वहां पे ये पता होना चाहिए, या एफ साइन साई आई, यहां पर कितना आपका जो एंगल ऑफ इंगेजमेंट है वो कितना है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो किसी भी आप पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, बस वहां से आपको डेप्थ ऑफ कट पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस ऊपर से ही मेजर करेंगे हमेशा, ये कितनी है, अगर यहाँ के लिए पूछा है तो ये कितनी है ये पता होनी चाहिए, यहाँ के लिए पूछा है तो बेटा ये कितनी है, तो आप बस आपको वहां डेप्थ ऑफ कट पता हो या एंगल ऑफ इंगेजमेंट पता हो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो आप किसी भी पॉइंट पर चिप थिकनेस जो है निकाल सकते हैं, किसकी, मिलिंग मशीनिंग में तैयार की हुई। ठीक, अब अगर बात करूं बेटा मैं, ये तो था बेटा ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं, इन दोनों के आगे लिख लीजिए आप, ये दोनों फॉर्मूले जो है बेटा, ये आपका स्लैब मिलिंग, स्लैब मिलिंग एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट कटर के लिए हमने निकाली है, स्ट्रेट कटर के लिए, यानी कि जो कट, जो टूथ है बेटा, जो टीथ है मिलिंग कटर के, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, उसके लिए ये फॉर्मूला। अब अगर हेलिकल हो, स्लैब मिलिंग और हेलिकल हो तो क्या होगा, ये देख लेते हैं अब हम, ठीक है, उसका डेरिवेशन नहीं मैं बता रहा हूँ, जस्ट समझ लीजिए, क्योंकि वो पूछा नहीं जाता, बेसिकली बेसिकली यही पूछा जाता। अब बेटा मिलिंग तो स्लैब ही है, स्लैब मिलिंग एंड हेलिकल कटर, हेलिकल कटर, तो उसके लिए बेटा याद रखना, जो मैक्सिमम चिप थिकनेस होगी दैट विल बी इक्वल टू एफ साइन साई इनटू कॉस ऑफ थीटा एच। अब थीटा एच आपको याद है क्या था बेटा, थीटा एच क्या था बेटा आपका, हेलिक्स एंगल, ये आपका था हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल, बस ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हेलिकल कटर के लिए अगर पूछ ले तो, ठीक है, वैसे पूछता नहीं, बेसिकली जो मशीनिंग में है तो जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल, सबसे मोस्ट जो सिंपल होता है केस उसके लिए की जाती है हमेशा कैलकुलेशन, बट फिर भी अगर पूछ ले तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि कैसे ये होगा। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो मैक्सिमम चिप थिकनेस हो गया, ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे बेटा सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग स्लैब मिलिंग, ड्यूरिंग स्लैब मिलिंग, ठीक है, स्लैब मिलिंग के दौरान जो सरफेस रफनेस है वो प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वर्क पीस है, ठीक है, इस पर ये कटर आपका यहाँ ये फीट डिस्टेंस आगे बढ़ा तो आपका वर्कपीस, सॉरी कटर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है बेटा ये फीड है, ठीक है, तो फीड आपको पता है वर्कपीस को ऐसे दे दी है,
ठीक है, दिस इज योर वर्क पीस, वर्क पीस करेक्ट, ये आपका कटर हो गए, ओके। तो आप नोटिस करेंगे बेटा यहां पर कि कटर तो रोटेट कर रहा है भैया ऐसे, या ये तो जैसे कि आपका क्लाइंब मिलिंग हो गई या डाउन मिलिंग, ये आपका अप मिलिंग है या कन्वेंशनल मिलिंग है, मान लीजिए कोई कोई भी केस हो सबके लिए एक ही बात है। तो आप नोटिस करेंगे कि जब फीड आगे, फीड डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा कटर, तो क्या होगा, चलो तो जैसे ही कटर फीड डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो आप नोटिस करना बेटा कि यहां पर ये एरिया, इसमें ये डिस्टेंस जो है सरफेस रफनेस हो जाएगी, यानी कि इसे जो है आप किसी भी हालत में अवॉइड कर ही नहीं सकते इन केस ऑफ स्लैम मिलिंग, स्लैम मिलिंग के केस में, ठीक है, इतना हिस्सा मशीन हो ही नहीं पाएगा एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये कब होता है बेटा, जब हायर फीड हम इस्तेमाल करते हैं, जब फीड बहुत हाई होती है तो क्या होता है बेटा कि आपकी सरफेस रफनेस भी हाई होगी, ठीक है, तो इसलिए फीड बहुत छोटी देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा कि हायर फीड मींस हायर सरफेस रफनेस, हायर सरफेस रफनेस जिसे हम क्या कह देते हैं बेटा, एच मैक्स, ओके। ये जितनी ज्यादा होगी फीड, ये सरफेस रफनेस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि ये जो सरफेस रफनेस है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं बेटा कि इस ट्रायंगल को पूरा करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, ये इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें यहां पर के इसे कह देता हूं पॉइंट सी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा कि ओ सी किसके बराबर है, ओ सी, ओ सी बराबर है ओ ए, ओ ए माइनस इतना, माइनस सी ए, करेक्ट। अब देखो बेटा ओ ए क्या है, ओ ए बेटा आपका डी बाई टू रेडियस ऑफ कटर, माइनस सी ए है आपका एच मैक्स, एच मैक्स, ओके। नाउ इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बेटा डी, ओ डी, ओ डी आपका सीधा सीधा क्या है बेटा, ओ डी है आपका डी बाई टू रेडियस, ठीक है, ओ डी किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कटर के, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गई एफ, तो बेटा सी डी जो होगा वो होगा हाफ ऑफ फीड के, एफ बाई टू के, ये एफ बाई टू के, दिस इज एफ बाई टू, करेक्ट, सी डी, ठीक है, सी डी आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा ओ डी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूं, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ओ डी क्या है बेटा, डी बाई टू होल स्क्वायर, ओ सी कितना है बेटा, डी बाई टू माइनस एच मैक्स होल स्क्वायर प्लस सी डी कितना है बेटा, एफ बाई टू होल स्क्वायर, करेक्ट। पाइथागोरस लगाइए सिंपली हमने इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब ये लगभग लगभग, अब देखो एच मैक्स जो सरफेस रफनेस है वो सरफेस रफनेस है वो बेटा रेडियस ऑफ कटर से तो बहुत 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 छोटी होगी ना, तो ये हो जाएगा बेटा आपका डी बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई टू, यहां ले लेते हैं एक मिनट, एक सेकंड, इससे पहले मैं ओपन कर देता हूं, डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसे ओपन कर रहा हूं मैं ए माइनस बी से, प्लस एच मैक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू डी बाई टू इंटू एच मैक्स। ये तो हो गया बेटा आपकी पहली टर्म का एक्सपेंशन यहां से यहां तक का, और प्लस एफ बाई टू का होल स्क्वायर,
एम वाई टू का होल स्क्वायर, करेक्ट? समझ में आई बात? अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसे साफ कर देता हूँ मैं, ओके, ठीक है। अब नोटिस कीजिए आप यहाँ पर कि डी बाई टू होल स्क्वायर कट जाएगा, डी बाई टू होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कट गया। और आप नोटिस कीजिए जब एच मैक्स बहुत छोटा है बेटा, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये आपका और भी ज़्यादा छोटा होगा, तो इसे ज़ीरो मान लेते हैं, हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब बचा क्या है आपके पास, ये यहाँ टू से टू कट जाएगा, तो अब आपके पास बचा क्या है बेटा, हमारे पास बचा है एफ बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का है जब इधर जाएगा, इसे यहीं रोक लीजिए, इसे इधर लाइए, तो हो जाएगा बेटा डी इंटू एच मैक्स, डी इंटू एच मैक्स, ठीक है। तो यहां से जो मैक्सिमम सरफेस रफनेस आ गई एच मैक्स, वो इज इक्वल टू आ गई एफ स्क्वायर फीट का स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी, सॉरी फोर इंटू डी, क्योंकि एफ बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन फोर, डी नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एच मैक्स का वैल्यू। तो दिस इज द सरफेस रफनेस वैल्यू, मैक्सिमम सरफेस रफनेस वैल्यू ड्यूरिंग द स्लैब मिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बेटा, जो नेक्स्ट चीज है उसे हम देख लेते हैं। अब हम निकालेंगे मीन थिकनेस ऑफ चिप, मीन थिकनेस ऑफ चिप, नेक्स्ट टारगेट इज मीन थिकनेस ऑफ चिप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ए मीन जो बराबर होगा वो बराबर होगा बेटा ए मैक्स प्लस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय टू, यही तो एवरेज वैल्यू होगी या मीन वैल्यू होगी चिप थिकनेस की, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, अब ए मिनिमम जनरली क्या लेता है बेटा, जीरो, आपको पता है, तो ये हो जाएगा ए मैक्स बाय टू, या कहूं एफ साइन साई डिवाइडेड बाय टू, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो मीन चिप ने मीन चिप थिकनेस की वैल्यू आ गई इनमें से कोई एक, मैक्सिमम निकालिए उसका आधा कर दीजिए, तो लगभग लगभग मीन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब निकालेंगे मीन चिप एरिया, मीन चिप एरिया, मीन चिप एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, थिकनेस इंटू विड्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं बात करूं चिप के, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, थिकनेस इंटू विड्थ, ठीक है। तो ये होगा बेटा ए मीन इंटू विड्थ ऑफ चिप, ये यहां से आ जाएगा, ठीक है, जितनी विड्थ होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ए मीन को, ए मीन को, ठीक है। तो मीन एरिया आ गया आपके पास। अब हम निकालेंगे बेटा कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब कटिंग फोर्स आपको याद है हम पी जेड से दिखाते हैं, यहां भी पी जेड से ही दिखाएंगे, पी जेड, तो वो हो जाएगा बेटा शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वर्कपीस इनटू मीन चिप एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा बेटा, मीन, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है। तो मीन चिप एरिया को अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वर्कपीस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कटिंग फोर्स। इन्हें नोट करते चलिए बेटा, ये बहुत काम आने वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। मीजिए अब हम निकालेंगे बेटा एम आर आर या वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड, कितना मटेरियल आपका रिमूव होगा, ठीक है, ये निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करें बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, विड्थ इनटू डेप्थ ऑफ कट इनटू फीड एफएम, ठीक है। विड्थ कितनी है बेटा चिप की, इनटू डेप्थ ऑफ कट कितनी है बेटा कट की, और बेटा एफएम यानी कि फीड जो है आपकी एमएम पर मिनट में कितनी है, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, देखिए ये भी एमएम में, ये भी एमएम में, एमएम पर मिनट, एमएम क्यूब पर मिनट आ जाएगा आपका मटेरियल रिमूवल रेट, एम आर आर,
मटेरियल रिमूवल रेट। अगर पर टूथ निकालना है आपको मटेरियल रिमूवल, तो आप क्या करेंगे बेटा पर टूथ के लिए, कि आप फीड की वैल्यू जो है पर टूथ के लिए रखेंगे, सीधी सी बात है। तो W इंटू डी इंटू एफ, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि जो आपका मीन एरिया आया था उसकी आप कटिंग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा MM³ पर मिनट में आंसर आ जाएगा, यानी कि मटेरियल रिमूव्ड कितना है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब बेटा यहां पे आपको ये पता चल गया, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सरफेस फिनिश जो है वो कैसे अच्छी की जाएगी स्लैब मिलिंग के केस में, तो आपको बताना होगा बेटा कि हमें हर हालत में फीड जो है पर टूथ उसे कम करना होगा। ठीक है, अब यहां पे एक नोट आप बेटा समझ लीजिए कि जो बेटा फेस मिलिंग कटर होता है, फेस मिलिंग कटर, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसे भी, ये आई होप आपने उतार लिया होगा। ओके, जो फेस मिलिंग कटर होता है बेटा उसमें तीन कटिंग एज होती हैं, उसमें तीन कटिंग एज होती हैं फेस मिलिंग कटर में, फेस मिलिंग कटर, ये पूछा जा सकता है आपसे बेटा, नोट है ये इंपॉर्टेंट। फेस मिलिंग कटर में तीन कटिंग एज होती है, पहली कटिंग एज को कहते हैं बेटा मेन कटिंग एज, मेन कटिंग एज, मेन कटिंग एज। अब मेन कटिंग एज में क्या क्या होता है बेटा, इसका जो कटिंग एंगल होता है कटिंग एज का वो हायर होता है, हायर कटिंग एंगल, ठीक है। यही आपका जो है जो आपका मटेरियल रिमूव होगा उसका सबसे ज्यादा पोर्शन यही कटिंग एज करेगी, ठीक है। दिस रिमूव्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मेटल, ठीक है, यही आपका सबसे ज्यादा जो है मटेरियल को रिमूव करेगी, ठीक है, ओके। डेप्थ ऑफ कट का भी ज्यादातर पोर्शन इसी को दिया जाएगा, तो हायर डेप्थ ऑफ कट इज प्रोवाइडेड, या हायर डेप्थ ऑफ कट नहीं कहूंगा मैं, इसे कहूंगा कि डेप्थ ऑफ कट का मैक्सिमम पोर्शन इसी को दिया जाएगा, या कहूं भाई जितना डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा उतना ही तो मटेरियल रिमूव होगा, तो मैक्सिमम पोर्शन इज प्रोवाइडेड टू दिस एज ऑफ डेप्थ ऑफ कट का मैक्सिमम पोर्शन यही प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप की जो कटिंग एज है बी, इसे समझ लीजिए बेटा, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कटिंग एज, इंटरमीडिएट कटिंग एज, ठीक है। अब इसमें समझने वाली चीज है कि इसकी हर चीज लोअर हो जाएगी, यानी कि इसका जो कटिंग एंगल होगा वो लोअर होगा, इसमें जो पोर्शन होगा मेटल रिमूवल का वो कम पोर्शन ये रिमूव करेगी, और डेप्थ ऑफ कट का कम पोर्शन इसे दिया जाएगा, यानी कि इसमें सारी चीजें हायर होती हैं, इसमें यही सारी चीजें आपकी कम हो जाएंगी, लो हो जाएंगी, ठीक है। और जो लास्ट है आपकी कटिंग एज का पोर्शन सी, उसे कहते हैं बेटा प्लेनिशिंग, PALSHI, प्लेनिशिंग कटिंग एज, ठीक है। प्लेनिशिंग कटिंग एज का क्या काम होता है, इट इज यूज टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश, ठीक है, ये फिनिशिंग के काम में यूज होती है, यूज्ड फॉर फिनिशिंग कट, ठीक है, ओके। ये था बेटा आपका मिलिंग के बारे में, थोड़ी सी हमने उसकी मैकेनिज्म देखी, थोड़ा हमने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कटिंग जो कटिंग पोजीशन होता है मिलिंग कटर का, यानी कि जो एक सिंगल टूथ होता है उसकी ज्योमेट्री हमने देखी, कौन कौन सा एंगल वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्योमेट्री और मैकेनिज्म से मिलिंग के, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशन है जिन्हें हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फीड पर टूथ या फीड पर एमएम, फीड पर मिनट में क्या फर्क होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सब चीजें बनती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया
लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जल्द से जल्द कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए नोटिफिकेशन का, ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।